हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबीएम की स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है जापान में आधुनिकीकरण। तो जापान में आधुनिकीकरण, सोगुन की समाप्ति और मेजी पुनर्स्थापना, दोनों घटनाएं अत्यंत असाधारण ढंग से संपन्न हुई। लेकिन इन घटनाओं ने जापान को नवजीवन प्रदान किया, जिससे वह कुछ ही वर्षों में एक आधुनिक राज्य बन गया। जापान के लोगों में विदेशियों के प्रति विरोध की भावना विद्यमान थी और वह किसी तरह विदेशियों को अपने राज्य से निकाल बाहर कर देना चाहते थे, किंतु वे चीन की हो रही दुर्दशा से भी परिचित थे और इसलिए वे अनुभव कर रहे थे कि इन विदेशियों से अपने देश की रक्षा करने का एकमात्र उपाय उन्हीं के साधनों, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी और सैन्य संगठन को अपनाना है। जापानियों की धारणा थी कि वह जापान स्वयं एक आधुनिक शक्तिशाली राज्य बनकर ही पश्चात साम्राज्यवाद का मुकाबला कर सकता है। अतः जापान में देश के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रबल आंदोलन आरंभ हो गया, जिसके फलस्वरूप देश के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुए और जापान का कायाकल्प हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जापान में क्या क्या डिफरेंस आया था। तो उसमें सबसे पहला हमारा अगर देखें चेंजेस जापान में आया, तो वो आया था मिलिट्री में। किस में आया था? मिलिट्री में आया था। तो चलिए देखते हैं मिलिट्री में कैसे चेंजेस। जापान में सैनिक सुधार किया गया। जापान में आधुनिकीकरण में सैनिक सुधारों का भी महत्वपूर्ण हाथ था। जापान की सैनिक व्यवस्था सामंती प्रथा पर आधारित थी, लेकिन जब जापान में सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया, तब सेना के संगठन में भी परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया। अब तक जापानी सेना का निर्माण सामुराई लोगों द्वारा होता आया था। सामुराई लोग सामंतों की सेवा में रहकर सैनिक सेवा प्रदान करते थे। सेना में प्रवेश केवल इसी वर्ग तक सीमित था, अर्थात सेना में प्रवेश केवल सामुराई वर्ग को ही दिया जाता था। जनसाधारण को सैनिक सेवा करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होता था। लेकिन जब सामंती प्रथा का अंत हो गया, तब सामुराई वर्ग के एकाधिकार का भी अंत हो गया। जापान के सभी वर्गों के लिए सेना में भर्ती के लिए दरवाजा खोल दिया गया। इस परिवर्तन के कारण जब जापानी सेना का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। अगर हम देखें तो कानूनी समानता की स्थापना भी की गई थी। कानून मतलब समान शासन के लिए कानून। उसके बाद नई जीवन शैली का विकास हुआ था जापान में, इसीलिए हम कहते हैं जापान में आधुनिकीकरण आ गया था। धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन हुआ था। बाद हम देखें तो आता है कि परिणाम क्या क्या हुए थे आधुनिकीकरण के। इस सभी बातों स्पष्ट है कि मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापानी जीवन का काया पलट हो गया। खाने पीने, रहने सहने, पहनने ओढ़ने, सोचने विचार तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की सारी क्रियाएं तेजी से बदल गई और जापान एक आधुनिक देश के रूप में विश्व के रंगमंच पर आगमन हुआ। तो हमने देख लिया कि कैसे हुआ था। और गाइज, इसमें आप पढ़ लेना और अपने ही लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि याद करने में हमें आसानी होती है। और मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, तो सब्सक्राइब करो सब चैनल को। और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक और शेयर भी करो। और MCQ का वीडियो रहा तो मैं जरूर जल्दी से जल्दी डाल दूँ, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हैं। तो मैं भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मैंने पहले टॉपिक नहीं कंप्लीट किया था। तो चलिए, कि आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू।